अरे खुश हो गया, घूमने के नाम से तो खुश हो गया। लगातार 3-4 महीने ये खा लूँ ना तो बिल्कुल फिट हो जाऊँ। अक्सर ऐसा होता है जब ट्रैवल करके आते हैं, ऐसे पागल होते हैं, इतनी खुशी। गुड मॉर्निंग मकड़ो, एक और दिन की शुरुआत आप लोगों के साथ। और अभी टाइम हो गया है 12:30 हो रहे हैं, 12 बजे मैं उठा था। लास्ट लोग आपने देखा होगा तो मैं नैनीताल से आया था जो बहुत लेट हो गया था। फिर हम बंगला साहिब चले गए तो वापसी घर आते आते 1:30 बज गए थे, तो रात को लेट सोया था, अभी लेट उठा हूँ। वैसे आज है दशहरा, तो सबसे पहले आप सभी को हैप्पी दशहरा। और आज का शेड्यूल कुछ नहीं पता, बस अभी सोकर उठा हूँ, देखते हैं शाम को थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे और दशहरा सेलिब्रेट करेंगे। फिलहाल नीचे चलते हैं, खाने का टाइम हो गया है। और वही जो ट्रिप पर था, समझ ही नहीं आता कि ब्रेकफास्ट है या लंच, जो भी है वो हम करने जाएंगे। अरे अरे भाई ना, इतनी लेट ना रहे, 12:30 बजे 12 बजे 1 बजे ऐसे ना पैर के ना, हम तो फिर मसाज करवा के सो जाते हैं। ओए आ गया नाकर, ओए इधर इधर इधर, ओए नाकर आ गया, नाकर आ गया, नाकर हंस दे, अब हंस तो दे। अरे इसके नाकर आई, मसाज कर, बॉडी लोशन लगवा रही है, बॉडी लोशन लगवा रहे। और ये हो गया रेडी, रेडी हो गया, रेडी हो गया। अब चलेगा घूमने, घूमने ले जाओ इसको, ले जाओ, ले जाओ, पक्का ले जाओ कार में, चलेगा घूमने। अरे खुश हो गया, घूमने के नाम से तो खुश हो गया, रेडी हो गया। अब इसको घुमा के लाते हैं, चलना है घूमने, चलो। नहीं मना कर रहा है ये तो, नहीं नहीं मना कर रहा है, देखो। और अभी लंच या ब्रेकफास्ट कुछ भी कह लो वो कर रहा हूँ। इधर दही और इधर ये कल चावल बने थे, और अभी खाना बन रहा है, इतने में ये खा लेता हूँ। इतने ही है क्या चावल? कम है, और नहीं है मम्मी? हाँ। चावल और नहीं है? और है, अभी इतने ही खा ले और गया। चलो ठीक है। और इधर खाना भी आ गया है, छाछ चटनी रोटी, इधर दाल और ये आलू सोयाबीन। और बहुत टाइम बाद घर का खाना खा रहा हूँ, क्योंकि ट्रैवल पर रहता हूँ, ज़्यादातर घूमता फिरता रहता हूँ, बाहर का ही खाता हूँ। और मैं लगातार 3-4 महीने ये खा लूँ ना तो बिल्कुल फिट हो जाऊँ, क्योंकि बाहर का अनहेल्दी खाने को मिलता है, ज़्यादातर हेल्दी कुछ मिलता नहीं है, तो उल्टा सीधा खाते रहते हैं पूरा दिन, जिसकी वजह से फैट और वेट बढ़ रहा है। लेकिन अगर मैं घर पर 1.5-2 महीने भी रह लूँ ना, जिसमें मैं वर्कआउट कर लूँ, तो बहुत अच्छे से अपने आप को फिट कर सकता हूँ, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत हेल्दी खाना है। मतलब इसको खाकर मैं अच्छी बॉडी बना सकता हूँ। खाना खाने के बाद सो गया था, और अब आँख खुली है, 6:20 हो गए हैं। अब पता नहीं हम दशहरा देख भी पाएंगे या नहीं, और मुझे उठाने वाला कौन था? ये ऐ ऊँ करे जा रहा था, ऐ ऊँ, क्या है भाई, सोने क्यों नहीं दे रहा है? कर अब कैसे कर रहा था, ऐ ऊँ। देखते हैं, फिर भी ट्राई करते हैं, निकलता हूँ घर से बाहर। पूरा दिन आज तो सोने में ही चला गया। अक्सर ऐसा होता है जब ट्रैवल करके आते हैं, अब थोड़ा नींद खोलते हैं। ईश ने हमें भी उठा दिया, खुद भी उठ गए। कितने दिनों बाद मिली है कितने दिनों बाद मिली है बस की, बैठ बैठ बैठ, पागल हो गई ये देख, पागल हो गई, पागल, ऐसे पागल होते हैं, इतनी खुशी है, इतनी खुशी। कैमरे को रख देते, कैमरे को तोड़ देंगे। और इसको शांत बैठाने ना, बस इसके ऐसे हाथ फेरते रहो तो ये शांत बैठी रहेगी, और हाथ हटाया तो अब देखो कैसे करेगी। अच्छा अच्छा अच्छा, शिट, बैठ जाओ बैठ जाओ, शिट डाउन शिट डाउन शिट डाउन, वेरी गुड। और इसको अब नहलाना भी पड़ेगा, काफ़ी दिन से नहलाया नहीं ना, इसके देखो बाल टूट रहे हैं। क्या कर रहे हो? हम बाल को खिला रहे हैं। हम बोस्की को खिला के आए, देख निशान हाथ पे पैर पी, दूर रही हो, बाल बाल कर दिए और पूरे निशान निशान मार दिए, पंजे पंजे। अब तू नहीं हो, पहले कपड़े चेंज करियो जब बाबू के पास रही हो। हाँ बाबू अभी मेरे को उठा के आए हो, है ना? हम मैं जा रहा हूँ बाहर, और वो गेट बजा रही है। ले जाओ बाबू को भी ले जाओ भाई। टाइम जो है पूरे 7 ही बज गए हैं, और मुझे लग नहीं रहा है वैसे अब रावण दहन होने के लिए दिखेगा, क्योंकि 6:30-7:30 यही टाइम रहता है। फिर भी जाकर ट्राई करेंगे, लेकिन उससे पहले जलेबी खा ले। और दशहरा वाले दिन जलेबी क्यों खाई जाती है ये ज़रूर कमेंट्स कर कर बताना, मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं देखता हूँ हर दशहरा पर बहुत ज़्यादा जलेबियाँ बिक रही होती हैं हर जगह। घर से निकल गया हूँ और अब जा रहा हूँ, मेरे को 2-3 जगह पता है जहाँ पर रावण दहन किया जाता है, तो वहाँ जाकर देखता हूँ। और काफ़ी टाइम से ना फेस्टिवल जितने भी है ना ठीक से सेलिब्रेट ही नहीं हो पा रहे हैं, कुछ ये कोरोना का चक्कर, लॉकडाउन का चक्कर, कभी कुछ हो जाता है कभी कुछ, तो आज का दिन भी मेरे को लगता है ऐसे ही चला गया। लेकिन ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे कि आप लोगों को दिल्ली का रावण दिखा सकें।
अब तो पता ही नहीं चलता कब दशहरा आया, कब दिवाली आया, कब न्यू ईयर आया, बिल्कुल एकदम ना खाली खाली हो रहा है सब कुछ, सुनसान सा लगता है। बस थोड़ा बहुत मैं ट्रैवल करके अपने आप को खुश कर लेता हूँ, नहीं तो फेस्टिवल में तो मजा ही नहीं रहा। और इस ट्रैफिक और भीड़ को देखकर तो लग रहा है रावण दहन हो चुका है, पब्लिक आ जा रही है और बम की ना आवाज भी आ रही है, ध्यान से सुनोगे पीछे से बम की आवाज आ रही है। और इस रोड पर चार पांच जगह होता है इसलिए मैं इधर आया, लेकिन मुझे अब लग नहीं रहा कि यहाँ होगा, यहाँ तो पूरा मेला सा ही लगा हुआ है। यहाँ एक तो आ गए हूँ लेकिन यहाँ दहन हो चुका है, रावण की हड्डियाँ हड्डियाँ बची हैं बस। अभी पीछे जो आपने सिनेमैटिक में रावण देखा, वहां पर उनकी बहस हो रही थी, कुछ आपस में लड़ाई होगी तो रावण को दहन ही नहीं कर रहे थे, फिर मैं आ गया कुछ खा लूं, तो ये मैंने पनीर रोल लिए हैं। और अब मेरी मम्मी कहने वाली है कि तुझे घर का अच्छा नहीं लगता तो बाहर का ही खाता रहता है। अभी जो कार में डीजल आया वो 4294 रुपए का आया है, और दिल्ली में भी धीरे धीरे ना डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। हाँ कार्ड से करेंगे, और कार भी गंदी हो रही है और इसमें डीजल भी खत्म हो रहा था, तो मैंने सोचा डलवा लूँ, पहले साइड में लगाते हैं, पीछे वाले को ज़्यादा दिक्कत हो रही है। मैं भाई पहले उसका डाल दूँगा। कार देख के आया, पोपट हो गया हमारा, पोपट हो गया क्यों? एक जगह जगह जब रावण दहन हो गया था और दूसरी जगह वो जलाई नहीं रहे थे, आपस में लड़ रहे थे, मैंने इतने रुपए दिए, मैंने इतने रुपए दिए, जलाई नहीं रहे। ऐसे ऐसे बोल लेते माँ बुआ। कहाँ था सुबह से मिला नहीं है, कहाँ गायब रहता है? घर में तो था। कहाँ मिला मुझे? कल रात को आ गया था, मैं सो रहा था, पता है मैंने घूमता रहा था, स्कूटी भी गायब थी। आज तो पोपट ही हो गया, रावण दहन होते देख ही नहीं पाए। और एक चीज़ और यार घुमक्कड़ो, मुझे ये बता देना, जो मैं ट्रैवल वीडियो बनाता हूँ वो ठीक है, लेकिन ऐसे फैमिली जो व्लॉग बनाता हूँ आपको कैसे लगते हैं, या मुझे बनाने चाहिए या नहीं, सीधा ट्रैवल ट्रैवल के बनाऊँ? क्योंकि परसों हम फिर ट्रैवल पे निकल रहे हैं, लेकिन मैंने सोचा डेली व्लॉग आ ही रहे हैं तो बिना नागा मैं कुछ ना कुछ डालूं, कुछ ना कुछ अपलोड ऐसा करूं जो मेरे लाइफ से रिलेटेड या कुछ भी। तो कमेंट्स में बता देना ऐसे डेली व्लॉग बनाऊं या सिर्फ ट्रैवल ट्रैवल के बनाऊं परसों। बाकी हम कहां जा रहे हैं वो आप ज़्यादातर लोगों को पता चल ही जाएगा दो तीन दिन में, किसके साथ जा रहे हैं और कहां पर और किस पर जा रहे हैं ये सब आपको पता चल जाएगा। और इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नया लेकर। जब तक के लिए आप पुरानी वीडियो देखिए, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर देना, कमेंट्स कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नया लेकर, जब तक के लिए बाय टाटा सी यू, बाय टाटा सी यू।